अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आईएनडी टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। लाखों मुसलमान आज दूसरी मरतबा मीना में जमा हुए, जहां से वो सुबह सादिक के साथ ही शैतान को कंगरिया मारने के लिए जमनात के लिए रवाना हुए और इस फरीजे की अदायगी के बाद कुर्बानी दी गई और अहराम से बाहर आ गए। बाद अज़ां आज़मीन तवाफ़ ज़ियारा के लिए हरम की तरफ रवाना दवा थे। सऊदी अरब में आज ईद उज़ा मनाई गई। हाजी साहिबान मजीद दो दिन मीना में क़याम करेंगे और पीर और मंगल को फिर एक बार शैतान को कंकरिया मारने के बाद अपनी अपनी होटलों को वापस हो जाएंगे। इस तरह 5 दिन पर मुश्तमिल हज के तमाम अरकान की तकमील हो जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया कि अय्याम हज के दौरान कोई नाशुगवार वाक़ा पेश नहीं आया और सारे मराहिल खैरो खूबी के साथ अंजाम पा गए। जमरात और जमरात को जाने वाली रास्तों पर ज़बरदस्त सियानती इंतजाम किए गए थे और आज़मीन को एक रास्ते से जाने और दूसरे रास्ते से वापस होने की इजाज़त दी गई थी ताकि भगदड़ जैसा कोई सानहा पेश नहीं आए। जमरात के पुल पर हुजूम को काबू पाने के लिए बेहतरीन तदाबीर अख्तियार की गई थी। आज़मीन कल दिन में वकूफ़ अरफात के बाद रात मज़लफ़ा पहुँच गए थे, जहाँ उन्होंने रमी जमरात के लिए कंकरियाँ चुनी और शब बसर की थी। खादिमुल हरमैन व शरीफैन शाह सलमान ने मीना में आज़मीन हज के इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने रमी जमरात और तवाफ़ ज़ियारा के लिए किए गए इंतजाम के बारे में मालूमात भी हासिल की। उनके हमरा वज़ीर दाखिला प्रिंस अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नायफ और कई दीगर आलादार भी थे। गवर्नर मक्का खालिदुल फैसल की निगरानी में इस मरतबा भी हज के लिए ज़बरदस्त इंतजाम किए गए थे। 20 लाख से ज़ायद आज़मीन को इस साल हज की शहादत मिली है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, एचपी, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी नहायत वाजबी दाम पर दस्तियाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वान्टिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो एचडी क्लियरिटी के साथ दस्तियाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बेसाइड रियान होटल हैदराबाद, डायरेक्टर सैयद राशिद अली, फोन 9849715954। टॉप कारवान के मजलिस रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने आज अपने हल्के की ईदगाहों का मायना किया। इनमें ईदगाह सात गुंबदान, अवेसी प्लेग्राउंड, ईदगाह पंचखाना, ईदगाह हकीम शाह बाबा,
वगैरह शामिल है। उन्होंने ईद उजा के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजाम का मुआयना किया। उनके हमरा नन्ना नगर के कारपोरेटर नसीरुद्दीन, गोलकुंडा के नुमाइंदा कारपोरेटर अजीज खान, टोली चौकी के कारपोरेटर मोहम्मद हारून फरहान के अलावा बल्दिया बरकी बोर्ड और मौके में वाटर वर्क्स के अधिकारी भी मौजूद थे। कौशल मुद्दीन ने बताया कि बारिश के पेश नजर ईदगाहों पर मुतबादल इंतजाम भी किए गए। आज सदर मोहतरम जनाब नकीबुल्लाह वायरस तरसली साहब की राय पर और कारवान के पांच बड़े ईदगाहों पर जो हर साल की तरह इस साल भी ईद उज़ोहा के मौके पर तमाम ईदगाह के अंदर बारिश को मद्देनजर रखते हुए मोहर्रम का और कई जगह पर पालिश पत्थर का और कई जगह पर रेस्टर डस्ट का काम ईदगाहों के अंदर काम किया गया। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह शाम तक इन तमाम ईदगाहों के अंदर काम मुकम्मल हो जाएगा, जिसके अंदर सबसे बड़ा ईदगाह कुतुबशाही पाँच से टॉम्स ईदगाह और जिसके बाद आज हकीम शाह बाबा ईदगाह जो अभी इस साल इस ईद उज़ोहा के मौके पर करीब करीब 2 एकड़ ज़मीन के ऊपर नया ईदगाह एक्सटेंड किया गया और उसी तरीके से पिंचरपुरा ईदगाह के अंदर भी शाबाद फ्लोरिंग का काम किया गया और कुछ काम बाकी है, इंशाल्लाह उस काम को भी मुकम्मल किया जाएगा और एक खाना जो पांच खाना ईदगाह है उसके अंदर भी काम जारी है और उसी तरीके से जो बस्तियों के जो जामे मस्जिद बड़े मसाजिद हैं उन तमाम मसाजिद के सामने साफ़ सफाई और तमाम इलाके जात के अंदर जो कुरबानी चिरम देते हैं उसी घरों के अंदर भी GHMC की जानिब से पॉलीथीन कवर दिए गए हैं। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इन तमाम बारिश को मद्देनज़र रखते हुए और मौसम को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ तक हो सकता है कारवान के तमाम मसाजिद के सामने साफ़ सफाई और BT के पैचेस और इन तमाम चीज़ों का मसाजिद के सामने किया गया। ईदगाहों के अंदर भी काम इंशाल्लाह शाम तक मुकम्मल होने के इम्कान हैं। मैं फिर एक बार इस मीडिया के ज़रिए हल्के कारवान के तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आपके इब्तदाई सदर मुतमदीन या आपके कारवान के जो भी काउंसलर से आपके इलाके के उन तमाम के पास पॉलिथीन कवर रखे गए हैं वहाँ से हासिल कर सकते हैं और किसी को ना मिलने पर मुझको फ़ोन पर बताइए, इंशाल्लाह आपके पास इन तमाम चीज़ों को पहुँचाने की पूरी कोशिश किया जाएगा। और फिर एक बार इस मीडिया के ज़रिए आप तमाम से अपील गुजारिश करता हूँ कि सदर मोहतरम की सेहत के लिए और उनकी कामयाबी के लिए, हबीब मिल्लत की सेहत के लिए, उनकी कामयाबी के लिए और जमात की कामयाबी के लिए, जमात की मजबूती के लिए दुआ कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। GHMC ने ईद उज़ोहा के मौके पर साफ सफाई और जानवरों के फजला की निकासी के लिए एक वसीतर प्लान बनाया है, जिसके तहत 50 अर्थ मूवर्स, 94 मिनी टिप्पर्स और 25 टन और 10 टन की गुंजाइश वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। GHMC आवाम में बड़े काले प्लास्टिक बैग भी तकसीम कर रही है और इस सारे काम पर 2,43,00,000 रुपए का खर्चा आ रहा है। इसी दौरान सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने एक ट्वीट के जरिए आवाम से अपील की कि वो साफ सफाई का खास ख्याल रखें, जानवरों के फजला को सड़कों पर न फेंकें बल्कि उन्हें बैग में डालकर बल्दिया के डस्टबिन में डालें। उन्होंने कहा कि इस्लाम में पाकी को निस्फ ईमान बताया गया है, चुनाचे अपने घरों, गलियों और महलों को साफ सुथरा रखें और ऐसा कोई काम न करें जिससे पड़ोसियों को तकलीफ हो। उन्होंने बल्दिया पर भी जोर दिया कि वो कचरे की बखवे बखवे से निकासी करते हुए साफ सफाई को यकीनी बनाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार ने बताया कि GHMC कमिश्नर और जोनल कमिश्नर ईद उज़ोहा के मौके पर साफ सफाई के इंतजाम पर नजर रखेंगे। दरअसल GHMC ने दोनों शहरों में 12 और 13 अगस्त को तमाम मसाले और गोश्त की दुकान बंद रखने के काम जारी किए हैं। विजयवाड़ा में खातून के बेहमाना कत्ल की वारदात में मुलविस शोहर प्रदीप ने खुद को सतनारायणपुरम पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। प्रदीप ने बताया कि उसने अपनी बीवी मानी क्रांति को, जिसके साथ तलाक का मुकदमा चल रहा था, गला काट दिया और फिर उसके सर को एल्लूरू कैनाल में फेंक दिया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। भगवान देवी हॉस्पिटल डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल प्रेजेंट्स जूही क्लिनिक्स एट शेखपेट। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए।
तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे, मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक्स, ऑपरेशंस फैसिलिटी एंड फार्मेसी, जूही क्लिनिक, थर्ड फ्लोर अबव रिलायंस ट्रेंड्स, बिसाइड डी मार्ट, टोली चौकी, शेखपेट, हैदराबाद। एम वेंकैया नायडू के नायब सदर जमहूरिया के अहदे पर 2 साल की तकमील पर एक किताब की रस्म इजरा चेन्नई में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के हाथों अंजाम पाई। इस किताब में वेंकैया नायडू की जिंदगी के अहम वाकयात और उनके 19 बैरून ममालिक के दौरे की तस्वीर को शामिल किया गया है। अमित शाह ने कहा कि वेंकैया नायडू की जिंदगी नई नस्ल के लिए मशाले राह है। मरकजी वजीर इत्तला और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने इस तकरीब का अहतमाम किया था, जिसमें गवर्नर के बशमूल शहर की सरकर्दा शख्सियतों ने शिरकत की। ऑनरेबल गवर्नर ऑफ तमिलनाडु श्री बनवारीलाल पुरोहित जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पलनीस्वामी जी, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री पनीर सेल्वम जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हु इज द होस्ट हु इज द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस फंक्शन श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, एंड देन द एमिनेंट पर्सनालिटीज हु आर ऑल देयर ऑन द डायस, एंड ऑल्सो द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हु हैव कम from not only from Chennai, from also other parts of Tamil Nadu to this program, and my brothers and sisters, Indraya Nigalchikki Vandirikkum Anaivarikkum Vanakkam. Indha Nigalchiyil Ungudan Urayaaduvathil Naan Peru Magilchi Adaigiren. You all know that I have special liking and love for this state of Tamil Nadu, because Tamil Nadu is part of India. And Tamil Nadu is a vibrant state. I have no hesitation to say. I can repeat it also. The land is fertile. The brains are fertile. And it has got a great history of in the freedom movement, in the social reformist movement, and also in the protection of our culture, heritage and language. Everywhere, Tamil Nadu always used to be in the forefront. It is our duty, irrespective of this party or that party, we should all see to it that that leadership of the forward movement is always kept. My dear sisters and brothers, I am extremely happy to be admitting you today, especially with Sri Amit Shah, the Honorable Home Minister, who has so graciously released this chronicle of my engagements over the last 2 years as the Vice President of India. I am thankful to Sri Prakash Javadekar, the Minister of Information and Broadcasting, for bringing out such an attractive compilation. I am happy that Sri Banwarilal Purohit ji, Honorable Governor of Tamil Nadu, he has consented to be here and also opted not to speak to give me more time to speak. Sri Edappadi K. Palaniswamy, Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Sri O. Paneer Selvam, Honorable Deputy Chief Minister of Tamil Nadu, and a galaxy of people here on the dais as well as in front of me, members of parliament of all parties, very rarely this combination. You know, in Tamil Nadu, if X is there, then Y will not go that side. But today you have DMK, you have ADMK, you have PMK. And you also have the other parties also. Communist Party, my friend Rangarajan is here. Another friend was expected, Raja. I don't know what has happened. But Raja, once he becomes Raja, now from Rajya Sabha he has come to party. So he must be busy with the Praja after being Raja for some time. That's why he could not come here. And the MPs of Andhra Pradesh also, some of them have come here. I'm very happy. It's a privilege for me to be on the dais of galaxy of the illuminaries like Dr. M.S. Swaminathan, whom I revere, admire, because he's the father of the green revolution of the country. In spite of his health, you have seen, even at this stage also, he always thinks, talks and writes about agriculture, which is our basic culture. Dr. Kasturi Rangan, former director of ISRO and one of the famous scientists, and also who happened to be the chairman of the committee to draft the new educational policy, is admitted here. He is also a very knowledgeable person. And then
See, Thiru Guru Murthyji, Guru, is really Guru to many. Now as a Vice President, if I say he is my Guru, then members may go to him tomorrow onwards and start doing something. My people always tell me, sir, now you are Vice President, you have to be careful with your this thing. But Guru, I can tell you, is so knowledgeable on every issue, on every aspect. He has a definite thinking. He has got clarity. And then he always used to give proper advice whenever it is sought. And Dr. Pratap C. Reddy, the pioneering founder of India's first corporate chain of hospitals. Sri Dr. G. Viswanathanji, founder and chancellor of VIT and also chairman of that educational group. Sri Pullela Gopichan, chief national coach of the Indian badminton team. We are missing today one of the great legal luminaries who was supposed to be here, even at this age of 90 plus. He has agreed to come, but he telephoned to me saying that the Ayodhya case is being heard by the Supreme Court on day-to-day basis. So coming here and again going back the same day, and also his preoccupation, he has excused himself and convey his best wishes to me. And I find that such a great man of knowledge, Sri Parasaran, I don't think there is any parallel to him. After Nani Falkiwala, if I have to name one person in the legal fraternity, the first name comes to my mind is Sri Parasaran. That also from this place. That's why I said about Tamil Nadu. Whether it is doctors, whether it is tractor running farmers, or it is actors, Tamil Nadu is top. And today, out of affection for me, not because of politics, I am no more in politics. I do not belong to Amit Shah's party now, no more. I was in politics, but I retired from politics, but not tired from public life. That's why I'm here. Because of love and affection for me, Sri Rajinikanth ji, you initially told me he had a shooting, but God has told him, I'm going to rain there, you can go. So, he could make it to join this function. I wanted this function to be held in Chennai because I am the Vice President of the country. Country do not mean Delhi alone. The country includes all. So, south, north, east, west. So, I want to set up an example to have function in this southern part of the country. And I also want to have a function in different manner. Last time the function was attended by the Prime Minister, Sri Narendra Bhai Modi, former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, Law Minister, Minister of the Finance, my friend, Sri Arun Jaitley, and then Srimati Sushma Swaraj, and then Sumitra Mahajan Speaker, and also opposition leaders and all. This time I would have had it in Delhi. Naturally, if the Vice President wants some function, anybody will mobilize. But I thought, no, we should go to other place. And secondly, we should have it in a different manner. And I should have this function in the company of galaxy of great people who are doing a great job in various public activities. That is the purpose of holding this and troubling all these seniors for this function and having this many number of speeches also. I have learned a lot from each one of these Dayans and continue to learn new things whenever I meet and interact with them, because I am of the conviction people in public life must always be students to know something more. Learn before you start. Yearn. Even after you yearn also, still continue to learn. This is the way forward. Learning is a continuous process because the world is advancing. We are a global village now. Things are happening. New technology, new ideas, new innovation, out-of-box ideas. Science is making improvements. So new things will come out. And you have opened up. And you are living in an era of LPG, liberalization, privatization, globalization. So everything is competition now. So you have to go on learning. That's the purpose of calling all these great learned people here to this function. My dear friends, I must tell you the truth because Amit Shah spoke about some truth about me when I was in party. I should also tell all of you, share the truth in front of Amit Shah ji.
he also has a role in that. I never wanted to become vice president. Let me be very clear. Not that I am against vice president. As Guru was telling, from childhood, from my 13th year, I have been busy in public life, meeting people, greeting people, talking with people, walking with the people, spending time with the people, eating with the people, sleeping along with the people. That has been my habit. And I used to enjoy. I have covered maximum area in the country, more than 600 districts I have covered, right from my student days. And the party which I belonged at the time and the organization, they gave me support. Like that, I went around number of districts, number of, in every state, some of the districts I might have covered 10 times. I have learned so by going around. And then I was enjoying it. People used to say, sir, are you not getting tired? I said, no, I enjoy. More programs means more happiness. But they should be disciplined, systematic. That is the only thing which can trouble me and which can make me restive also. So that way I was enjoying it. So then I told Prime Minister Narendra Bhai Modi, I think it was my mistake not to tell Amit Bhai, I don't know what you would have done it also. I told Prime Minister Narendra Bhai, I want to set an example like Sri Nanaji Deshmukh. So by the time I become 70, I want you to come back as the Prime Minister again in 2019. And after you come back as the Prime Minister, after joining the government, I would like to quit the government and follow Nanaji Deshmukh and go for constructive work, Rachanatma Karyakram. I wanted to spend that. I told him in the beginning. I told him in 2016, 2017. Each time I was trying to tell, Prime Minister used to tell me, Venkaiah ji, 2019 hai na, abhi samay hai. You are talking of 2019 na, time is there. Like that, he just... And I told my wife also that 2019, after election, we must be ready to leave Delhi and go to our own gully. And then do the social work, which we have already started, Swarna Bharat. My daughter and other friends are all working in that. Advani ji inaugurated, Narendra Bhai was there, so many people, some of you, even Swaminathan ji was there, Kasturi Rangan ji was there, many people have visited that also. So I wanted to spread that movement, not in that... मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दावे के साथ कहा है कि जम्मू कश्मीर से 370 की बर्खास्तगी के बाद इलाके में दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा और तरक्की की शुरुआत होगी। चेन्नई में नाशद जमहूरिया एम वेंकैया नायडू पर किताब की रस्म इजरा के मौके पर खिताब करते हुए अमित शाह ने बताया कि उन्हें यकीन था कि जम्मू कश्मीर को हासिल खसूसी मौकों बर्खास्त करना ज़रूरी था क्योंकि इससे मुल्क का कोई भला नहीं हो रहा था। चुनाचे उन्होंने दफा को ख़त्म करते हुए कश्मीर को तरक्की की सिम गामजन करने का काम किया। एज अ लेजिस्लेटर मेरे मन में जरा भी कंफ्यूजन नहीं था कि धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए। मैं फर्मली मानता हूं कि धारा 370 से देश का भला नहीं हुआ, कश्मीर का भला नहीं हुआ, बहुत पहले हटनी चाहिए थी। एज अ होम मिनिस्टर मेरे मन में जरा भी कंफ्यूजन नहीं था कि धक्की समाप्ति होगी और कश्मीर विकास के रास्ते पे आगे बढ़ जाएगा। परंतु बिल पायलट करते वक्त मेरे मन में बहुत आशंकाएं थी कि जब मैं बिल लेकर जाऊंगा तब राज्यसभा कैसे चलेगी, क्योंकि राज्यसभा में हमारा पूर्ण बहुमत नहीं है। फिर भी मैंने तय किया था कि बिल पहले राज्यसभा में हम लेकर जाएंगे, उसके बाद लोकसभा में लेकर जाएंगे। और जैसे यहाँ गोपीचंद जी ने उल्लेख किया, आंध्र के विभाजन का दृश्य आज भी देश की जनता के सामने था। मुझे मन में थोड़ा आसन डर के साथ मैं राज्यसभा में खड़ा हुआ। वेंकैया जी की कुशलता का ही परिणाम है कि सभी विपक्ष के मित्रों को सुनते 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 इस बिल को डिवीजन तक कहीं भी कोई ऐसा दृश्य खड़ा नहीं हुआ जिसके कारण देश की जनता को ये लगे कि ऊपरी सदन की गरिमा नीचे आई है और ये बिल जो मत पक्ष में थे विपक्ष में थे इसकी गिनती कर ये बिल पारित हुआ। मैं वेंकैया जी की सदन के संचालन की कुशलता को आज भी ये मंच पर से
इसको एक्नोलेज करना चाहता हूं, इसका अनुमोदन। तो मैंने वेंकैया जी को राजनीति के अंदर प्रदेश के महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस सब पद पर काम करते हुए देखा है। परंतु एक कार्यकर्ता के नाते सीखने जैसी बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं। वेंकैया नायडू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद दिल्ली का चुनाव था, हम सब जानते हैं दिल्ली छोटा प्रदेश था। पार्टी ने वेंकैया जी को रिक्वेस्ट किया कि आप दिल्ली के चुनाव के प्रभारी बनिए। मुझे भी थोड़ा गुजरात में बैठते हुए ऑकवर्ड लगता था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुए व्यक्ति को दिल्ली का चुनाव का प्रभारी बनाना, मगर चेहरे पर एक भी भाव को बदल करे बगैर सफलतापूर्वक दिल्ली के चुनाव के प्रभारी का छोटा सा काम भी एक कार्यकर्ता की मानसिकता से वेंकैया जी ने इतनी ही तन्मयता से किया जितना वो अध्यक्ष के नाते काम करते। कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने रियासत में सैलाब की सूरतहाल से निमटने में नाकाम हो जाने पर चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा पर शदीद तनकीद की और कहा कि मुकम्मल काबीना न होने की वजह से राहत और इमदाद का काम बुरी तरह ठप होकर रह गया है। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में वन मैन शो चल रहा है। चीफ मिनिस्टर के हलफ लेने के दो हफ्ते के बाद भी काबीना की तश्कील अमल में नहीं आई और रियासत में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। सिद्धारामैया जो अपनी आंखों के इलाज की बिना पर सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा नहीं कर सके बताया कि रियासत में मजलिसी वज़रा नहीं है, काबीना का कोई इजलास नहीं हो रहा है, तो फिर हुकूमत कैसे काम करेगी। सिद्धारामैया ने कहा कि जेडीएस कांग्रेस मखलूत हुकूमत को गिराने में येदियुरप्पा ने जो उजलत और फुर्ती दिखाई थी वो काबीना तश्कील देने में नहीं दिखा रहे हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो रियासत के सैलाब से मुतासर इलाकों का फिजाई दौरा करें और 5,000 करोड़ रुपये की इमदाद का ऐलान करें। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें, एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। बारिश के पानी से मैसूर कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से परवाजें बहाल हो गई। अबूजबी से कोची आने वाली इंडिगो की फ्लाइट ने 12:15 पर लैंडिंग की। इस एयरपोर्ट को जुमा से बंद कर दिया गया था। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि केरला में मानसून की सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है और सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई जिससे मरने वालों की तादाद 40 के ऊपर चली गई है। तंजानिया में ऑयल टैंकर के फट पड़ जाने के बाद मरने वालों की तादाद 64 हो गई है। यह हादसा कल दारुल हुकूमत दारुस्सलाम से 200 किलोमीटर दूर मगरबी शहर मोरोगोद में उस वक्त पेश आई जब एक टैंकर से पेट्रोल के अखराज के बाद लोगों ने पेट्रोल हासिल करने के लिए दौड़ पड़े और इसी दौरान एक बाइक ऑयल टैंकर से टकरा गई। सदर तंजानिया जान मागोफ फिली ने मुल्क भर में 3 रोजा शोक का ऐलान किया है। महलुकिन की आखिरी रसूमात में जो आज अदा की गई, वज़ीर आज़म कासिम हाजालू ने सदर तंजानिया की नुमाइंदगी की। 39 शदीद जख्मी अफराद को दारुस्सलाम के हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। सदर मागोफ फुली ने आवाम से कहा कि वो इस तरह पेट्रोल चुराने की हरकतों से गुरेज करें। नाइजीरिया में गुज़श्ता माह पेट्रोल टैंकर से पेट्रोल चुराने की कोशिश में 45 अफराद हलाक हो गए थे। 2 साल कबल पाकिस्तान में भी ऐसा ही सानहा पेश आया था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।